अमिताभ न होते तो झारखंड के पास जेएससीए स्टेडियम न होता, वर्दी में रहे तो छाप छोड़ी, वर्दी उतरी तो बन गए इतिहास पुरुष, क्रिकेट से लेकर प्रशासनिक सेवा तक में जमकर चलाया अपना सिक्का। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूं राकेश सिंह। अमिताभ चौधरी नहीं रहे, यह खबर मंगलवार को जैसे ही फैली पूरे झारखंड और दुनिया भर में फैले उनके जानने वालों में एक किस्म का सन्नाटा छा गया। अपने जानने वालों और नहीं जानने वालों के बीच अमिताभ चौधरी एक ऐसी शख्सियत रहे जिसने सामने आई हर चुनौती का डटकर सामना किया। जब तक वर्दी में रहे, कर्तव्य पालन में कभी कोई कोताही नहीं बरती, खूंखार अपराधियों को सिखंचों के पीछे पहुंचाया और जब वर्दी उतरी तो क्रिकेट से लेकर राजनीति तक के मैदान में अपनी छाप छोड़ी। इस सफर के दौरान विवाद भी खूब हुए, लेकिन इससे अमिताभ चौधरी कभी घबराए नहीं। काम करने और कुछ कर गुजरने का जुनून ऐसा कि रांची को जेएससीए स्टेडियम का तोहफा देकर देश के क्रिकेट नक्शे पर स्थापित कर दिया। अकेले दम पर बिना किसी प्रचार और तामझाम के जब रांची में ये विश्व स्तरीय क्रिकेट स्टेडियम तैयार हुआ तो लोगों को आश्चर्य हुआ था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बिना विवाद के कैसे पूरा हो गया। लोग आज भी कहते हैं कि यदि अमिताभ चौधरी नहीं होते तो झारखंड में क्रिकेट का मतलब जमशेदपुर होता और क्रिकेट प्रेमियों की मंजिल कीनन स्टेडियम। देश के सर्वश्रेष्ठ आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर देश की सबसे कठिन प्रतियोगिता परीक्षा पास कर आईपीएस बनने वाले अमिताभ चौधरी का जीवन इतने रंगों से भरा है कि उन्हें किसी एक स्वरूप में बांध पाना मुश्किल ही नहीं असंभव है। इस शानदार व्यक्तित्व के जीवन से जुड़े विविध पहलुओं को उजागर कर रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राहुल सिंह। अमिताभ चौधरी झारखंड के वैसे चर्चित लोगों में शामिल थे जिन्होंने शासन प्रशासन क्रिकेट और राजनीति में एक अलग पहचान बनाई। अमिताभ चौधरी ने 1984 में आईआईटी खड़गपुर से बीटेक की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1985 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा पास कर भारतीय पुलिस सेवा में आए। इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में इतिहास और भूगोल विषय को वैकल्पिक पेपर रखा था। पहले ही प्रयास में इन्होंने परीक्षा पास की और आईपीएस श्रेणी में पूरे भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था। इन्हें बिहार कैडर मिला। वो 1997 में रांची के एसएसपी बनाए गए। अलग राज्य बनने के बाद अपनी क्षमता, सूझबूझ और बेहतर टीम की बदौलत इन्होंने रांची की जनता के बीच से अपराधियों का खौफ खत्म किया जिसे लोग आज भी याद करते हैं। उस समय रांची के दो सबसे खूंखार अपराधियों सुरेंद्र बंगाली और अनिल शर्मा को गिरफ्तार करने के पीछे अमिताभ चौधरी ही थे। इसके अलावा शाम 7 बजे तक बंद हो जाने वाले रांची शहर को अपराध मुक्त बनाने में उन्होंने दिन रात एक कर दिया। उन दिनों को लोग आज भी भूले नहीं हैं। सुरेंद्र बंगाली का क्या खौफ था, अगर उसने किसी को फोन कर दिया तो समझो वो गया काम से। उसके नाम का सिक्का चलता था। उसका नाम लेकर दो दर्जन से अधिक लोगों ने करोड़ों कमा लिए थे। बिजनेसमैन को रंगदारी देनी पड़ती थी, छोटे पुलिसकर्मी भी उस पर हाथ डालने से डरते थे, लेकिन अमिताभ चौधरी ने रांची को उसके आतंक से निजात दिलाई। उसके बाद से ही उनका नाम पूरे झारखंड में चर्चित हो गया था। उन्होंने गृह विभाग में विशेष सचिव एडीजी रैंक के पद से वीआरएस लिया था। पुलिस सेवा में किए गए उनके कार्य याद किए जाते हैं और उन्हें जनता का एसएसपी माना जाता है। अमिताभ चौधरी को जानने वाले बताते हैं कि खाकी वर्दी के बाद उनका दूसरा प्रेम क्रिकेट था। वो खुद तो क्रिकेट खेलते ही थे, आसपास के बच्चों और युवाओं को भी खूब प्रोत्साहन देते थे। नौकरी की व्यस्तता के बावजूद वो क्रिकेट के लिए हमेशा वक्त निकालते थे। झारखंड बनने से पहले तक संयुक्त बिहार में क्रिकेट की राजधानी के रूप में जमशेदपुर का नाम लिया जाता था और कीनन स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र स्टेडियम था। झारखंड अलग राज्य बनने के बाद अमिताभ चौधरी को ये बात अखरने लगी। उन्होंने अकेले दम पर रांची में जेएससीए स्टेडियम बनवा दिया और रांची को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नक्शे पर स्थापित कर दिया। ये अमिताभ चौधरी ही थे जिन्होंने प्रयास कर एचसी प्रबंधन से जमीन ली थी और उसके बाद तमाम बाधाओं को दूर करते हुए स्टेडियम का निर्माण शुरू हुआ था। स्टेडियम निर्माण के बाद भी एचसी और जेएससीए के बीच विवाद चलता रहा और कुछ महीने पहले अमिताभ चौधरी के प्रयास से ही इस विवाद का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया।
वर्ष 2002 में वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सदस्य बने। इसके बाद साल 2005 में वो झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA के अध्यक्ष बने। फिर वर्ष 2005 से 2009 तक टीम इंडिया के मैनेजर भी रहे। साल 2013 में उन्होंने IPS की नौकरी से VRS ले लिया। राजनीति में भी आजमाया हाथ। अमिताभ चौधरी की उपलब्धियों की श्रृंखला में राजनीति भी है। साल 2013 में नौकरी से VRS लेने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। साल 2014 में रांची से लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ा। बाबूलाल मरांडी की पूर्व पार्टी JVM से टिकट मिला था, लेकिन 67,000 वोट लाकर वो चौथे स्थान पर रहे। चुनाव के दिन विवाद भी हुआ था। JPSC अध्यक्ष भी रहे। भारतीय पुलिस सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले चुके और झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से लेकर BCCI के कार्यवाहक सचिव जैसे पदों पर रह चुके अमिताभ चौधरी को राज्य सरकार ने अक्टूबर 2020 में झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC का अध्यक्ष बनाया था। इनका कार्यकाल जुलाई 2022 में पूरा हुआ था। इस पद पर रहने के दौरान उन्होंने JPSC जैसी संस्था को विवादों से मुक्त करने का प्रयास भी शुरू किया था। उसी क्रम में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, सबसे नजदीक रहने वालों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि नजदीकी लोग ही स्टंप आउट करते हैं। 6 जुलाई 1960 को बिहार के दरभंगा जिले के मनिगाछी प्रखंड के बाथे गांव में जन्मे अमिताभ चौधरी का निधन वास्तव में झारखंड के लिए एक बड़ा नुकसान है। वो जिस भी क्षेत्र में रहे, हमेशा अपनी अलग पहचान बनाई। ऐसे लोग विरले ही मिलते हैं। झारखंड के लोग कहते हैं, MS धोनी को तराशने में अमिताभ चौधरी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देश में ऐसे सैकड़ों क्रिकेटर हैं जिन्हें उचित जगह नहीं मिल पाने के कारण उनका करियर बर्बाद हो गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि धोनी में टैलेंट था, क्रिकेट उनमें कूट कूट कर भरा था। उन्होंने अपने खेल से क्रिकेट जगत को तो शुरू से ही प्रभावित कर दिया था, लेकिन ये भी सच है कि अगर अमिताभ चौधरी जैसे लोग उनके पैरोकार नहीं होते तो शायद क्रिकेट जगत में धोनी को वो स्थान नहीं मिल पाता जहां आज वो हैं। छोटे शहरों से निकलने वाले क्रिकेटर तब तक राष्ट्र क्षितिज पर नहीं चमकते जब तक उन्हें वहां पहुंचाने वाला नहीं हो। अमिताभ चौधरी का जाना सचमुच क्रिकेट प्रेमियों के लिए दुखदायी खबर है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर फॉलो करें। और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।